आगे का सिद्धांत जो है वह हम देखने वाले हैं, पिलु पाकवाद और पिठर पाकवाद। पिलु पाकवाद, पिठर पाकवाद, यह पुनः न्याय वैशेषिक दर्शनकारों ने बताए हुए सिद्धांत है। इसको पहले समझेंगे हम, इसका मूल नाम जो है वह पाकजोत्पत्ति सिद्धांत है। पाकज यानी पचन के बाद, ठीक है, उसके पचन के बाद जो निर्मिति होती है उसे पाकजोत्पत्ति कहते हैं। इट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजिंग, या कारण कार्य में जो परिवर्तित होता है, ठीक है। फिर पाकजोत्पत्ति सिद्धांत के ही दो प्रकार है, या दो पद्धति से उसको बताया गया है। वैशेषिक दर्शनकार उसको बताते हैं पिलुपाकवाद, और न्याय दर्शनकार बताते हैं पिठरपाकवाद, ठीक है। तो इसको जानेंगे थोड़ा, इसमें आपको जरूर ये सिद्धांत समझ में आएगा। मैंने आसानी से समझाने की कोशिश इसमें की है, ठीक है। तो जाते हैं आगे। पिलुपाकवाद यानी मॉलिकुलर कंबंशन, और पिठरपाकवाद यानी मास कंबशन, ठीक है। तो पिलुपाकवाद सिद्धांत जो है वो वैशेषिक दर्शनकार बताते हैं, और पिठरपाक सिद्धांत जो है वो न्याय दर्शनकार बताते हैं, जैसा मैंने अभी कहा। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, ये सिद्धांत क्या है? पाकजोत्पत्ति सिद्धांत, यानी पाक क्रिया को स्पष्ट करने वाला सिद्धांत है। और जैसे मैंने बताया कि कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, यह प्रक्रिया उन्होंने पाकजोत्पत्ति सिद्धांत से बताई। पिलु इस शब्द का अर्थ होता है परमाणु या एटम, और पिठर का अर्थ होता है संपूर्ण वह द्रव्य। जैसे हम अगर उदाहरण ले तो कच्ची कैरी होती है या कच्चा आम होता है हरे रंग का, वो संपूर्ण द्रव्य जो है वह पिठर है। एज अ होल दैट ऑब्जेक्ट इज पिठर, दैट इज कार्य द्रव्य, विच आर मैनिफेस्टेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ परमाणु, यानी पीलू या कणों का ही सम्मिश्रण, एकत्रीकरण होके उससे पिठर बनता है, ठीक है। अब पाक इस शब्द का अर्थ क्या है? तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द्रव्य ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट। पाक के लिए या परिणमन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, चेंज आने के लिए वहां पे उष्ण संयोग की आवश्यकता है, उष्णता की आवश्यकता है, अग्नि महाभूत की आवश्यकता है, हीट की आवश्यकता है, यह स्पष्टतया पाकोजोत्पत्ति सिद्धांत बताता है। तो पाकज क्रिया जो है वो परमाणु में होती है, और परमाणु जो परिपक्व हो जाते हैं वह हो जाते हैं विशेषतः केवल और केवल उष्ण संयोग से, या हम उसको कह सकते हैं लाइट से या प्रकाश से। जैसे सूर्य की किरणें प्रकाशमान है, लेकिन उसमें उष्णता है, और उस उष्णता से बदल भी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हियर केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन विच फॉर्म, आयुर्वेदिक वर्ड्स आर रूप, रस, गंध, स्पर्श, यानी दिखने में उसके बदल होता है, उसके टेस्ट में बदल होगा, उसके स्मेल में बदल होगा, गंध में बदल होगा, और फिर उसका जो स्पर्श है, टच है, वह भी बदलता है। तो परमाणु कैनॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द नेचर, ओके। सो द पिलु पाक ऑकर्स इन थ्री फेजेस। व्हाट हैपेंस? द फर्स्ट डिकम्पोजेस ऑफ मटेरियल इनटू मॉलिक्यूल्स, यानी जो पदार्थ रहता है, समझिए हम यहाँ पे घट का उदाहरण लेते हैं, मिट्टी का घट बना हुआ है, और मिट्टी के घट किससे बना हुआ है? मिट्टी के परमाणुओं से। और मिट्टी के परमाणु प्रक्रिया क्या है? देखिए, अब ये पिलुपाकवादी यानी वैशेषिक दर्शनकार बता रहे हैं, जब उस मिट्टी का जो कच्चा घड़ा है उसको भट्टी में रखा जाता है, फर्नेस में रखा जाता है, तब प्रक्रिया कैसे बता रहे हैं? देखिए, वो परमाणु जो है वह अलग हो जाते हैं। तो परमाणुओं का अलग होना, जैसे पंचरेणु से चतुरेणु, चतुरेणु से फिर त्रेणु, त्रेणु से द्वेणु, और द्वेणु से अणु, ठीक है। परमाणुवाद में हमने देखा है पहले सिद्धांत में किस पद्धति से डिस्ट्रक्शन होता है और किस पद्धति से उत्पत्ति होती है। तो
तो ये डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस है। तो वो जो मिट्टी का कच्चा घड़ा है वो अलग होते हैं उसके परमाणु, यह पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति डिकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटम्स, यानी अणु जो है वो परिवर्तित होते हैं परमाणु में, यानी सूक्ष्म रूप में, जैसे मैंने बताया, यानी पंचरेणु, चतुरेणु, त्रेणु का, फिर द्वेणु का और फिर परमाणु। और फिर क्या होता है, अलग अलग उस परमाणु पे अग्नि संस्कार होता है, पाक होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पचन होता है उसका, और फिर रिकॉम्बिनेशन ऑफ आइटम्स, और फिर वह जो छूटे हुए परिपक्व परमाणु है जिन पे अग्नि का संस्कार हुआ है वो इकट्ठा होते हैं फिर वही प्रोसेस से। यानी परमाणु दो इकट्ठे होंगे, द्वेणुक तैयार होगा, फिर त्रेणुक, फिर चतुरेणु, पंचरेणु, इस पद्धति से कार्य द्रव्य तैयार हुआ, पक्का घड़ा तैयार हो जाएगा, पक्का मटका जो है, घट जो है वो तैयार हो जाएगा। सॉरी, उसके जो कलर था, एश कलर था, वो रेडिश कलर में चेंज होगा। उसमें पानी नहीं भर सकते थे, उसमें पानी भर सकते हैं। उसका स्पर्श जो था वो कैसे था, पहले मृदु था, अब उसका स्पर्श कठिन हो गया है। इस पद्धति से रूप, रस, गंध, स्पर्श सभी में परमाणुओं में, सॉरी, उसमें रूपांतरण होता है, चेंज होता है, और इसको ही पीलू पाकवाद कहते हैं। ठीक है, आगे है जो मैंने अभी प्रोसेस बताया। देखिए, एश कलर घट था और उसका पाक क्रिया के बाद क्या हुआ, रेड एंड हार्ड। ओके, सो दैट इज अ पीलू पाकवाद। अभी देखिए, डिस्ट्रक्शन और डिकम्पोजिशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्ट और मैंगो इनटू अणु इज द फर्स्ट पेज। अभी इसको मैं थोड़ा सा स्किप करूंगा इस स्लाइड को, क्योंकि मैं पिठर पाक आपको बताना चाहता हूं। और पिठर पाक क्या है, यानी पहली तो बात, पीलू पाकवाद वैशेषिक दर्शनकार बताते हैं और न्याय दर्शनकार पिठर पाक बताते हैं। न्याय वैशेषिक मित्र दर्शन है, क्योंकि उनकी तात्विक पार्श्वभूमि जो है वो समान है। पाकजोत्पत्ति दोनों ही दर्शन मानते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है उसके प्रोसेस के डिटेल्स भिन्न भिन्न है। वैशेषिक दर्शनकार बता रहे हैं पीलू पाकवाद और न्याय दर्शनकार बता रहे हैं पिठर पाकवाद। अभी क्या भिन्नता क्या है, जैसे मैंने बताया आपको कि पीलू पाकवादी यानी वैशेषिक दर्शनकार बताते हैं कि वो जो मिट्टी के कण थे वो स्वतंत्र होते हैं, भट्टी में रखने बाद स्वतंत्र उनमें एक एक कण में रूपांतरण होता है और फिर वो इकट्ठा होते हैं और वो पाकोजोत्पत्ति प्रक्रिया पूर्ण होती है। मटका जो है, घड़ा जो है, वो परिपक्व हो जाता है, कठिन हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। उदाहरण जो न्याय दर्शनकार देते हैं वो कच्चे आम का देते हैं, और कच्चे आम जो होते हैं खट्टे होते हैं रस में, दिखने में हरे होते हैं, ठीक है, गंध उसका अलग होता है, रूप अलग होता है, स्पर्श अलग होता है, और फिर उस पे पाकजोत्पत्ति प्रक्रिया होती है और उसमें से मीठे येलो कलर के ऐसे आम तैयार होते हैं, येलोइश रेड कलर के, या फिर रेडिश येलो कलर ज्यादा प्रॉपर रहेगा, ये पक्के आम तैयार होते हैं जो हम खा सकते हैं, मीठे लगते हैं। तो यह प्रक्रिया न्याय दर्शनकार पिठर पाक से बताते हैं। तो वह इस पद्धति से परमाणु विलग होते हैं और परमाणुओं में अलग से उसमें रूपांतरण होता है और फिर वो इकट्ठा होते हैं, यह प्रक्रिया वो नहीं बताते। वह बताते हैं एज अ होल ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है, पूरे की पूरी कच्ची कैरी जो है या कच्चा आम जो है वह रूपांतरित होता है संपूर्णतया साइमल्टेनियसली पके आम में। ओके, और यही पिठर पाक जो है वो न्याय दर्शन का सिद्धांत है। When basic components of shadrasa, that is the lump of ahara, जो घटक है, उसमें छह रस है। और when it is subjected to jatharagni, जब वो jatharagni से संयुक्त हो जाते हैं, तो jatharagni की प्रक्रिया उस पे होती है, और फिर उससे आहार रस बनता है। यह उदाहरण है, ये हम समझ सकते हैं, jatharagni के संयोग से आहार के साथ jatharagni का संयोग होता है, जो प्रधान अग्नि है, फर्स्ट स्टेज डाइजेशन हम कहते हैं इसको, हाँ, ह्यूमन डाइजेशन में, और उससे पाक होके फिर जो बनता है यह प्रोसेस संपूर्णतः परिवर्तन, वह है पिठर पाकवाद। और जब यह आहार रस जो है
प्रत्येक स्रोतस में जाके, रस वह स्रोतस, रक्त वह स्रोतस, भिन्न भिन्न स्रोतस वह में वह जाके फिर वहां पे धात्वग्नि की प्रक्रियाएं होती है, और धात्वग्नि के अंदर भी भूताग्नि होता है, और उसकी प्रक्रिया होते हुए उसमें जो रस धातु तैयार होता है, रक्त धातु तैयार होता है, यानी ये जो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज तैयार होते हैं, यह प्रोसेस है पिलुपाकवाद की, जो वैशेषिक दर्शनकार बताया है। ठीक है, या इसको आसानी से समझे तो फ्रैक्शनल डाइजेशन या हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर लेवल डाइजेशन इज डिस्क्राइब बाय वैशेषिका, एंड एज अ होल डाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन इज डिस्क्राइब बाय न्याय दर्शनकार, दैट इज पाकजोत्पत्ति सिद्धांत। तो आयुर्वेद में इस पद्धति से हमें ये सिद्धांत उपयुक्त रहते हैं विषयों को समझने के लिए। ठीक है, तो आज यही रुकते हैं और फिर आगे का सिद्धांत देखेंगे।